आज हमारे पास R15 V4, अच्छा मोस्ट अवेटेड थी ये, 2 महीना ही हुआ है लॉन्च को, लेकिन इसकी इतनी डिमांड है मैं आपको क्या ही बताऊं। आप अभी जाते हो बुक कराते हो तो 3 महीना 4 महीना ऐसे आपको वेटिंग मिली है। वेल जल्दी मिल जाएगी, वो बात अलग है। ओके, इसके बारे में इनडेप्थ बात करते हैं, इसकी टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या है और कैसी है, चलाने में इंप्रेशन क्या है इसका, सब कुछ देखते हैं और थोड़ी सी इंस्पायर है R1M से, इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें फ्रंट की, अगर तो आप ये देखोगे बीच में जो एक प्रोजेक्टर और साइड में 2 DRLs हैं, सेम ये इंस्पायर्ड है R1M से। वेल ये R15 V4 है और बात करते हैं ये साइड में ही, अगर आप देखो बहुत प्यारे से DRLs हैं। आप गाड़ी की चाबी जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तभी वो ऑन हो जाते हैं। और ये आपके हेडलैम्प्स हैं जो कि प्रोजेक्टर है, काफ़ी सही है इसके, आप साइज से मत जाना, लुक भी बहुत अच्छा देते हैं और विजिबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं। ओके, इसके जो फॉक्स है वो अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, ये आप देखोगे इससे काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस हो जाता है। छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलते, मैं भी चला है, वेल बहुत मज़ा है, बहुत स्मूथ है। ओके, ये विंडशील्ड देख रहे हो आप तो ये भी काफ़ी सही है, आप रैप करा सकते हो ब्लैक कलर या कोई भी कलर तो ये और ज़ोरदार लुक आने लगेगा। वेल ऐसा, और ये हैं इसके मिरर्स जो कि फोल्डेबल हैं, मतलब आप आराम से इनको खड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरह हो जाते हैं। बाकी आप थोड़ी स्पीड चला रहे हो या आप हाईवेज पे हो तो आप उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये होगी फ्रंट की बात, चलते हैं इसके साइड में। ओके, डुअल चेनल ABS है, ये साइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यमा की बैजिंग है। 2 कलर ऑप्शन में है, V4 और R1M जो है वो सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में है। यहाँ V4 की बैजिंग, इसके इंडिकेटर्स जो कि हैलोजन्स हैं, यहाँ पे रेडिएटर है दिख रहा होगा आपको। ओके, यहाँ पे कुछ साइंस हैं, बोले रेडिएटर में आपको डालना वालना मत, इधर मतलब कुछ उंगली मत करना, ऐसा है आगे कौन करता है ये। वेल और यहाँ पे इसकी बैजिंग यमाहा की। ओके, यहाँ पे ये फुटरेस्ट और इसको आप साड़ी गार्ड भी कह सकते हो, काफ़ी अच्छा गार्ड है, मतलब कुछ जाता नहीं है, नहीं तो ऐसे हमारे यहाँ लेडीज़ या गर्ल्स बैठती हैं तो हो सकता है उनके कपड़े वगैरह टायर में जाएँ, इसलिए वो लगा होता है, काफ़ी सही है। यह इसका बैक, ये इसकी टेल लाइट्स और ये इसकी रेयर लाइट्स और साइड में कुछ ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो कि साइन है, BS6 में बहुत पहले से ही आ गए थे। और यहाँ इसका एग्जॉस्ट। ओके, इसकी सीट हाइट की बात करें तो वो है 825 mm, जो कि मेरे ख्याल से 5-6-5-7 ये भी काफ़ी सही है, आप आराम से बैठ के चला सकते हो। वेल मैं भी बैठ के दिखाता हूँ, मेरे पैर कहाँ तक पहुँचते, मेरी हाइट 5-6 है। ओके, 5-6 है मेरी हाइट, याद रखिएगा। ओके, काफ़ी डिसेंट है, बढ़िया है इतना तो। ओके, स्प्लिट सीट्स हैं, उनकी पिलियंस की बात करो तो ये भी काफ़ी सही है, अच्छा जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं काफ़ी थोड़े टफ होते हैं वैसा ही है, और स्प्लिट है, 2 लोग तो आराम से बैठ सकते हो, आप कोशिश मत करना 3 लोग बैठने की, R1 है, मुकेबल गिरोगे। इंजन स्पेक्स की बात करें तो लिक्विड कोल्ड 4 स्ट्रोक 155 cc के इसके इंजन हैं, 11 लीटर के इसके टैंक्स हैं जो कि काफ़ी डिसेंट है, सही है मेरे ख्याल से, 40-45 का कंपनी क्लेम करी है एवरेज का। ऑनर से बात करते हैं, पता चलेगा क्या एवरेज है। और इसमें काफ़ी सिस्टम है, यमहा कनेक्ट, अगर आप ये देख रहे हो मोटरसाइकिल, इसके ऐप आते हैं उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी कुछ अपने कॉल्स और मैसेजेस भी कंट्रोल कर सकते हो। वेल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये साइन देखो तो कॉल मैसेज के साइन है, ऊपर RPM के हैं, यहाँ पे साइड में ABS और न्यूट्रल, इस तरह तो साइंस होते ही है। और अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गियर शिफ्टर का भी आपको साइन मिल जाएगा, और ये है इसमें कुछ मोड्स, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। ऊपर यहाँ शो होते हैं आपके RPMs, यहाँ स्पीडोमीटर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, और मेरे ख्याल से इसमें ट्रैक मोड और नॉर्मल मोड है जो कि आप दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से ABS के कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होते रहेंगे। वेल और ये इसका किल स्विच और पावर कट ऑफ बटन और स्टार्ट बटन, सारे बटन एक में दे दिए, काफ़ी जगह बचाई गई है। और ये इसके हज़ार ट्रायंगल जो कि आप ऑन कर सकते हो तो आपके 4 इंडिकेटर्स अच्छे से चलेंगे। और ये हैं इसके सस्पेंशंस जो कि अभी तक तो एडजस्टेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आए शायद। ओके, लेट्स गो, इसका साउंड सुनते हैं फिर उसके बाद ड्राइव करेंगे। वेल ये जैसे ऑफ रहता है तो आपको यहाँ नॉर्मल लाना है, फिर उसके बाद ओके, यहाँ पे कुछ इसके RPM के लिमिट्स हैं जो कि ब्लिंक करती हैं वाइट, मैं वैसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, काफ़ी स्पोर्टी और ट्रैकी लगता है। वेल ये हमने देखा था MT50 में भी अगर याद हो, लेकिन उसमें एक ही लाइट जो ब्लिंक होती है, इसमें सीरीज हैं, काफ़ी सही लगते हैं, अगर आपके RPM आगे जाते हैं तो वो ब्लिंक करते हैं। वेल लेट्स गो, अब ड्राइव करके देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस।
और फिर मिलते हैं।